आज की वीडियो में हम लोग कुछ अपने बारे में इंट्रोडक्टरी फ्रंट पेज बनाएंगे कि अपनी प्रोफाइल का, कि हम लोगों को बता सके कि हम लोग क्या काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सलमान और आज रॉबी एक्सी की एक हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं। इसके अंदर जो आपका इंट्रोडक्शन होगा, मीन्स आपके बारे में जो डिटेल्स होंगी, उसको हम लोग एक पिक्टोरियल फॉर्म में बना के दिखाएंगे। सबसे पहले डॉबी एक्सटी ओपन कर लिया है, अब हमें काम करते हैं यहाँ पर कस्टम साइज पे जाते हैं। कस्टम साइज मैंने क्यों लिया, कस्टम साइज लिए कि जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो असल में होना चाहिए 1000 by 1000, मीन्स केयर फॉर्म। तो हम उसको छोटा कर लेंगे अपने लिहाज से जो हम चाहें। तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर एक आर्ट बोर्ड ऐड कर लेते हैं, वन सेकेंड, आर्ट बोर्ड हमारा ऐड है, नहीं ऐड नहीं है। हम लोग काम करते हैं यहाँ पर एक आर्टबोर्ड ऐड करते हैं, ठीक है जी। ये आर्टबोर्ड ऐड किया, इसके यहाँ पर अगर साइड पे दिखाऊं स्पॉट करके, तो देखिए यहाँ पे साइजेस इसके बता रहे हैं वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। इसको सबसे पहले लॉक कर देंगे, लॉक से पहले अगर हम इसको वन सेकेंड, हाँ इसको लॉक करते हैं। अब हम इसको करते हैं जी 1000, ठीक है। सॉरी, यहाँ से अगर हम इसको करें, अगर हम इसी चीज को 1000 by 1000 कर दें, ठीक है जी। 1000 by इसको भी हम लोग 1000 कर देते हैं ताकि ये चीज़ हमारी बैलेंस हो जाए, ठीक है। 1000 by 1000 क्यों किया, सिंपल मैंने पहले बता चुका हूँ, क्योंकि स्केयर की फॉर्म में हमने लाना है। इसलिए जूम करना होगा तो ऑल्ट दबा के माउस का स्क्रॉल व्हील करें तो जूम हो जाएगा, वरना यहाँ पर एक जूम टूल भी अवेलेबल है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास काम है वो है कि हम लोग एक काम करते हैं, इसका कलर फिल, जो फिल कलर है उसको क्लिक करता हूँ, यहाँ से फिल कलर पे जाएंगे और उसको हम लोग के काम करते हैं थोड़ा सा लाइट ग्रे सा ले लेते हैं, ठीक होगा। यहाँ तक ये आ गया, फर्स्ट आर्टबोर्ड है हमारा, कलर आ गया। नेक्स्ट है कि हमारे पास एक इमेज ऐड कर लेते हैं। इमेज ऐसे है कि सर्कल फॉर्म में, से हम इसके दरमियान में लाऊंगा तो किस तरीके नेविगेशन शो कर रहा है। अब मैं आर्ट दबाऊंगा तो दरमियान में आ जाएगा, साथ ही शिफ्ट दबाऊंगा, आर्ट प्लस शिफ्ट, उसको ड्रैग करूंगा तो कि परफेक्ट सर्कल ड्रा हो गया। अभी सर्कल में इमेज लानी है तो यहाँ पर एक मैंने डेस्कटॉप पे इमेज रखी है, उसमें क्लिक करके ड्रैग किया और यहाँ पर मैं इसको प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। इमेज का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको हम लोग सिंपली ड्रैग करके भी छोटा कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर इमेज का साइज, ये देखिए काफ़ी बड़ा साइज है इमेज का, तो उसको छोटा करके हम लोग इसके साथ प्लेस करते हैं। सबसे बड़ी बात देखें, बैक ऑब्जेक्ट और जो फ्रंट हमारी इमेज है उनको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके मेक मास्क कर देते हैं। इसका फायदा है कि हमारी जो शेप है वो मास्क में चली गई है। यहाँ से मैं लेयर्स पैनल में जाऊँ तो देखें ग्रुप आके ग्रुप पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये साइड पे बॉक्स पे क्लिक किया, देखें सेलिप शो कर दी और मेरी पिक्चर, पिक्चर को मैंने क्लिक किया और मैंने इसको प्लेस कर दिया अपनी थोड़ी सी जगह पर ताकि मेरा फेस अच्छे से नजर आ सके। ये देखें ये यहाँ पर आके मैं इसको साइड पे क्लिक किया तो ये चीज़ खत्म होगी, ठीक है। अब जो हमारा एलिप्स टूल था, एलिप्स था उसके इसके जो बाउंड्री थी, उस बाउंड्री को मैं थोड़ा सा अगर मैं काम करता हूँ, उस बाउंड्री को मैं 3 तक कर देता हूँ, नहीं 4 करता हूँ ताकि नजर है, ठीक है। हमारी बाउंड्री आ गई, अब उस बाउंड्री का जो फिल है ना वो मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। वाइट कर दिया, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊँ आपको, ये इमेज क्लिप हुई हुई है जिसकी वजह से हमें नज़र नहीं आएगा। इसका आसान हल ये कि आप शेडो भी डाल सकते हैं। शेडो अगर मैं ऐड करता हूँ एलिप्स टूल के ऊपर, शेडो मेरे हिसाब से शायद ही नज़र आए शो हुआ, क्योंकि हमारा जो एलिप्स टूल है वो क्लिप हो चुका है, इसलिए वो शेडो भी शो नहीं कराएगा। कोई इशू नहीं, अगर आप दोबारा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखिए हमारा यहाँ तक ये चीज़ कम्प्लीट हुई। अब नेक्स्ट हम करना है जी, मेरे बारे में जो डिटेल्स हैं वो ऐड करनी है। सबसे पहले नाम आ जाएगा, मैं यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट टूल लेके क्लिक किया, अब मैं अगर इसको जूम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ जी मोहम्मद, ठीक है। इसको कंट्रोल लेके अगर सेलेक्ट किया, अब मैं यहाँ से जाके इसका जो फॉन्ट है, सबसे पहले फॉन्ट यहाँ पर मैं चेंज करके रख देता हूँ। लेटो भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, रोबोटो भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही अच्छे फॉन्ट हैं। तो मैं यहाँ पर ढूंढूँ लेटो फॉन्ट, ठीक है जी, लेटो रख दिया। इसका जो साइज़ है वो मैं रख देता हूँ 40 pixels, ठीक है, ताकि कुछ नज़र आए। और तो इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट्स के, मतलब थिकनेस को बताते हैं, थोड़ी बोल्ड कर देते हैं। अब जो असल में जो इसका कलर है वो हुआ है बैकग्राउंड से ले, इसको वाइट करूँगा तो ये आपको नज़र आना शुरू हो गया कि हमारा असल में कलर था, ठीक है जी।
कुछ ये देखें, ये हमारे पास नाम आ गया हमारा, ठीक है। अब हम इसके बाद इसी की कॉपी भी बना सकते हैं, या अगेन टेक्स्ट टूल लेके हम लोग पेस्ट भी कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो देखें इसकी कॉपी बन गई। इस कॉपी में हमने क्या करूँगा, अब जो मेरी लोकेशन है मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो मैं कहाँ रहता हूँ उसके बारे में बताते हैं। हम लिखते हैं जी इस्लामाबाद, ठीक है जी, गलत हो गया स्पेलिंग, ठीक हो गया कोमा पाकिस्तान, सही है। इसको होल को सेलेक्ट किया कंट्रोल ए दबा के, या डबल क्लिक करेंगे तब भी सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसकी क्या की जी, प्रॉपर्टी में जाऊंगा फॉन्ट की, और इसकी प्रॉपर्टी को मैं रेगुलर कर दूंगा, ठीक है। रेगुलर कर दिया, आपका जो साइज है वो मैं 20 कर दूंगा, 20 इसको मैं बल्कि 25 कर दूँ, ठीक है, 25 कर देता हूँ। ओके 25 ठीक लग रहा है, ऑलमोस्ट ठीक है, ठीक है। इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा, और ये जो बिल्कुल सेंटर है ना इसका, सेंटर पॉइंट वहाँ पे ला कर रखता हूँ, ठीक है। सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा मैंने साइड पे कर दिया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है वो हमारे पास आती है, हम आप एक लोकेशन का आइकन डालते हैं। लोकेशन का आइकन कहाँ से होता है, प्लगइन्स में जाएं। मैंने कुछ यहाँ पर आइकन प्लगइन्स इंस्टॉल किए हुए हैं, प्लगइन्स की वेबसाइट है, प्लगइन्स की सॉरी वीडियो है, वो भी आप जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लोकेशन लिखता हूँ, ठीक है जी, देखिए इसने लोकेशन के डिफरेंट हमें इमेजेस दे दी, ठीक है जी, एडिट लोकेशन, करंट लोकेशन, माई लोकेशन, ये चीज़ें। हमारे जो सूटेबल है वो लोकेशन ऑन हम ले लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करके ट्रैक भी कर सकते हैं, या सिंपली क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्लिक किया तो हमारी लोकेशन यहाँ पर मौजूद आ गई, ठीक है। ये देखें यहाँ पर आ गए, इसका कलर मैं फिल में जाके वाइट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब देखें कुछ चीज़ थोड़ा सा हमारे उस चीज़ से बड़ा है, हमारे टाइम में ज़्यादा, इसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा इसको स्लिम कर दिया, ठीक है। क्लिक किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, बस में ग्रुप कर दिया। लेकिन जैसे मैं इसको प्लेस करूंगा इसके मिडल में, ये देखिए कुछ ऐसे नजर आ रहा है, तो ये हमारा नाम आ गया, इसके अलावा हमारी पिक्चर आ गई। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वो है हमारे पास नीचे डिस्क्रिप्शन जो बतानी है, मीन्स मेरे बारे में जो बताना है कि मैं क्या काम करता हूँ। तो मैंने पहले से ही अपना कुछ इंट्रोडक्शन लिखा रखा हुआ है, मैं क्लिक करके यहाँ पर इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये चीज़ आ गई। अब इसको सबसे पहले जो ये चीज़ आई है ना हमारे पास, इसको मैं अब देखें, इस चीज़ से बचने के लिए आपके पास एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है कि इसको मैं डिलीट करता हूँ, गेन टेक्स्ट टूल लेके मैं यहाँ पर एक बॉक्स ड्रा कर देता हूँ कि मुझे इतने एरिया में ही सिर्फ चाहिए, ठीक है जी। टेक्स्ट ड्रा कर दिया, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। देखें वो सिंपल उस बॉक्स के अंदर जहाँ पर भी टेक्स्ट हमारा आ सकता था उसने उसको प्लेस कर दिया। अब मैं सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और मैं इसको सेंटर अलाइन, यहाँ से अगर मैं जाता हूँ टेक्स्ट के अंदर तो सेंटर अलाइन या सेंटर कर दूंगा ताकि ये चीज़ हमारी सेंटर में हो। अच्छा जी, जो हमारे पास इसके दरमियान फासला था, अगर मैं देखूँ, ये देखें सिर्फ बता रहे कि ऊपर 38 फासला था, नीचे भी 38 ही है, ठीक हो गया। यहाँ तक हमारा काम कम्प्लीट हुआ। अगर मैं इसको थोड़ा सा, इसका जो साइज़ है ना फॉन्ट का, वो मैं डिफरेंस करूँ, क्यों देखें ऊपर और नीचे में डिफरेंस है, हेडिंग और सब हेडिंग में डिफरेंस है, तो उसमें भी डिफरेंस आना चाहिए। ये थोड़ा सा छोटा होगा ज़्यादा, इसको मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है जी। ये कुछ हमारा ऐसे आ गया। अब मैं थोड़ा सा इस बॉक्स को ना छोटा करता हूँ, 8 दबा के दोनों साइडों से इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत लगे, कुछ ऐसे हमारे पास इसका आ जाए, ठीक हो गया। यहाँ तक हमारा ये भी आ गया। इसके बाद अगर हम इसके दरमियान थोड़ा सा फासला रखते हैं, स्पेसिंग कर देते हैं, ताकि ये चीज़ हमारी ठीक हो जाए। ये डिक्शनरी शो कर रहा है कि हमारा जो नाम लिखे हैं वो थोड़े से डिक्शनरी के मुताबिक ठीक नहीं है, डिक्शनरी के मुताबिक ठीक नहीं, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मसला आ जाता है, ठीक है। अगर उसको थोड़ा सा इसको ऐसे ही रखते हैं, ऐसे ही बेहतर है। इसका फॉन्ट मैं 22 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बेटर नज़र आ सके। सी ओ का दैट्स इनफ, ये 38 आ गया। इसके बाद हम लोग के काम करते हैं, नीचे बटन डाल देते हैं। और बटन बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सिंपल मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल ली और यहाँ पर मैं एक सिंपल बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। बॉक्स बनाया इसके, देखें अगर हम बॉक्स के साइडों में देखें तो राउंडेड कॉर्नर्स है, ठीक है जी। यहाँ से भी ऐसे कर्व कर सकते हैं, या फिर अगर हम यहाँ पर, अब बॉक्स सेलेक्टेड है इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं हम यहाँ पर साइड, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी अगर दिखाऊँ तो ये यहाँ पर राउंडेड भी नज़र आ रहा है, देखें यहाँ पर ये बिल्कुल, ये है जी मिल्टर ज्वाइन, ये थोड़े से राउंडेड ज्वाइन, राउंडेड ज्वाइन क्लिक करेंगे,
का साइज अगर हम रखते हैं 20 राउंडेड जाने का, तो देखें उसने क्या किया, ये इसने हमारे पास जो उसकी बॉर्डर था, बॉर्डर के मुताबिक हमने बॉर्डर नहीं रखना, बॉर्डर को हमने क्लोज कर दिया ताकि हमारी चीज वैसे ही शो हो। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब ये कि हम लोग इस बॉक्स की प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे ताकि हमारे पास, वन सेकंड, ये हम लोग बॉक्स सेलेक्ट, बॉक्स हमने सेलेक्ट कर दिया। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये कुछ इसके रेशोज आ रहे हैं, ठीक है, जीरो है और यहाँ पर डॉटेड है। ये अगर मैं दिखाऊँ इसमें माउस रखूँ तो ये डॉटेड लाइन है और ये प्लेन लाइन है। अब यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूँ 20। देखिए उसने बॉक्स को 20 टाइम्स साइडों से कर्व कर दिया। इसको मैं 30 रख देता हूँ, 30 इनफ है किसी भी बटन को करने के लिए, बनाने के लिए। फिल मैं काम करता हूँ थोड़ा सा ना, मैं ब्लू टोन की तरफ चला जाता हूँ। ठीक है जी, कुछ ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा ही गंदा हो गया ये। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया हमारा बटन। ठीक है जी, अगर हम इसके, जैसे हम इसको थोड़ा सा नेविगेट करते हैं तो ये बताता है कि इसमें कितना फासला है। अब इस बटन के ऊपर हम लोग दो चीजें करेंगे। पहला एक हम टेक्स्ट ऐड कर ले रहे हैं, सिंपली हमने यहाँ पर साइड पर टेक्स्ट लिखा, अब इसको कहते हैं ऐड एज ए फ्रेंड। ठीक हो गया, एज एड ए फ्रेंड कर दिया, इसको हमने उठा के इसके ऊपर प्लेस करके जहाँ पर हमें चाहिए। ठीक है, अब इसका साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, उसको मैं 30 करूँ तो कितना बड़ा हो गया, हाँ 30 थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको मैं 22 भी कर रखता हूँ। ठीक है, 22 ठीक रहेगा ताकि हमारे बटन को इफेक्ट ना करे। थोड़ा सा मैंने सेंट्रल लाइन कर दिया यहाँ से, ठीक है जी, सेंट्रल लाइन हो गया थोड़ा बहुत। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने एक अगेन आइकन डालना है, आइकन प्लगइन्स में जाएंगे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ऐड, जी अगर मैं ऐड लिखूँ तो यहाँ पर कुछ सजेशन दे रहे कि ऐसे ऐसे आप लोग चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, ऐड पर्सन, अगर मैं ये रहूँ, ये मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, ये भी कर सकते हैं, प्लस का साइन भी कर सकते हैं, और हमने इसके इर्द गिर्द सर्कल भी ड्रॉ करना है ताकि खूबसूरत लगे। मैंने इसको क्लिक किया, ड्रैग किया, तब भी हम लोग ला सकते हैं। अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको, सिंपल क्लिक करेंगे तब भी ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। अब देखिए, मैंने इसको यहाँ पर प्लेस किया अपनी जगह पर। ठीक है, इसका कलर मैंने वाइट कर दिया, जब मैं वाइट चाहिए। ठीक है जी, वाइट कलर आ गया। अब इसके बैक साइड में हम लोग एक एलिप्स ड्रॉ करते हैं, शिफ्ट दबा के मैंने एलिप्स ड्रॉ की। ठीक है जी, एलिप्स ड्रॉ होगी। अब जो इस एलिप्स के ना जो हमारे पास कलर है, एक तो बाउंड्री ऑफ कर देंगे, दूसरा इसका जो कलर है ना एलिप्स का, वो हमें वही रखना है जो हमारे यहाँ है। अब इसका थोड़ा सा मैं डार्क कर दूंगा, जान बूझ के ताकि खूबसूरत लगे। ठीक है जी, पीछे जाके, अब असल में जो हमारा बटन था वो, जो सॉरी एलिप्स के नीचे आइकन था वो नीचे चला गया एलिप्स ऊपर। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाएंगे और ये एलिप्स को उठा के नीचे करेंगे जब इसके, तो ये देखें उसने क्या किया, उसको प्लेस कर दिया अपनी जगह। अब मैं क्या करूँगा, ये जो आइकन है और एलिप्स हैं दोनों को क्लिक करके अगर मैं इसको सेंटर लाइन कर दूँ आपस में, ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक हो जाए। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर सेंटर लाइन कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल जी दबा के ग्रुप कर दूंगा, ठीक है, ताकि ये चीज़ इकट्ठी रहे हमारे पास। ठीक हो गया, अब जो ये ब्लू कलर है इसको थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग थोड़ा सा इसको लाइट करते हैं। ठीक है, अब जो एज फ्रेंड है ना, इसको मैं थोड़ा सा रेगुलर की नस्बत मैं इसको बोल्ड करना ज़्यादा ठीक समझूँगा। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। इसका साइज़ अगेन, साइज़ मैं अगर 24 कर दूँ तभी बेटर है। ठीक है जी, ये हमारा अभी तक इंट्रोडक्शन बना, जो भी हमारी चीज़ें अवेलेबल थी उसके साथ हमने इंट्रोडक्शन बना ली। बटन थोड़ा सा मैं अगर छोटा कर दूँ, ठीक है, गेंद दोनों को सेलेक्ट किया, इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं, सही है। अब हम इसके साइडों पर ना एक डिज़ाइन बना लेते हैं, कोई सा भी थोड़ा अच्छा सा लगे। अब ये जो आर्ट बोर्ड था इसका कलर, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर जाते हैं,
हमारा ग्रुप हुआ हुआ है, ये आर्ट बोर्ड है, आर्ट बोर्ड का कलर है वो हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ठीक है जी, थोड़ा सा डार्क कर लिया कुछ ऐसा। अब जो साइडें थी हमने पेन टूल ली, पेन टूल से हम लोग काम करते हैं, यहाँ पर वेव ड्रॉ कर लेते हैं कुछ ऐसा। ठीक है जी, वेव्स ड्रॉ कर दी, इसको मैंने बाउंड्री ऑफ कर दी, फिल ऑन किया, और मैं यहाँ से कुछ डार्क पर्पल सा मैंने शेड रखी, ठीक है जी, ये चीज होगी। अब जो इसके साइड पे देखें, एक चीज बाहर आउटसाइड दी फ्रेम जा रही, ठीक है, उसको हम लोग क्लिक करके भी कर सकते हैं, अगर हम ये भी ना करना चाहें तो उसको ऐसे प्लेस करके भी ठीक कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं इधर प्लेस करूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रही, ये स्ट्रेट कैसे आएगी, इसको बिल्कुल एंड पॉइंट पे ले जाएंगे हम लोग, और यहाँ से अगर मैं शिफ्ट दबा के इसको करता हूँ, सॉरी ऑल्ट दबा के करूँ, नहीं, हाँ अगर मैं आपको बताऊँ, इस पॉइंट पे क्लिक करना है और ऑल्ट दबा के इसको अंदर की तरफ ड्रैग करना, देखिए इसने क्या किया, उस पॉइंट को बिल्कुल ही ऑफ कर दिया। तो ये कुछ हमारे पास ऐसे डिज़ाइन आ गया, अगर हम इसी डिज़ाइन को कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं, कॉपी बन गई, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है फ्लिप की, ये देखें अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊँ, ये थी सॉरी स्क्रोल किया, ये हमारे पास ऑप्शन आनी चाहिए इधर की, सॉरी ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, मेल की ऑप्शन क्यों नहीं, ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, ये फ्लिप वाली है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल फ्लिप वर्टिकल फ्लिप हमने कर दिया, ठीक है जो हम इसको हॉरिजॉन्टल भी फ्लिप कर देंगे ताकि डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज लगे, ठीक है जी। तो अभी तक के लिए जो हमारा इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन का जो वहाँ पर सारा स्नैरियो था वो बन चुका है, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियोज भी आपको मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।